कट्टे वाला ज्यादा खिंचाता है फोटो, कट्टे के लिए जरूर कांटेक्ट करें। और 47 वगैरह बना देता है, AK-47 भी, AK-47 भी बना देते हैं। प्राइस ज्यादा लगता है कंपनी का कट्टा बनाते। दो स्टेट की पुलिस जो है इनके पीछे ही है, वो लाख रुपए इनाम भी है इनपे। हम तो चाहते हैं पर ये जाना नहीं चाहते हैं, पुलिस में कह रहे हैं थोड़ा भाई रहम करो। ये हम एंटर कर रहे हैं मानसिंह महल बता रहे हैं। चलिए चलिए कोई नहीं, इधर से चल देते हैं। उल्टे चलने का बहुत शौक है इन्हें वैसे भी। पता नहीं अंदर पूरा नजारे अच्छा, पागलों की हरकत ना करें यहाँ पे। शांति शांति बनाए रखें, शांति का दान दें। ये देखिए देखिए, तो मानसिक डिपार्टमेंट बता रहे हैं कुछ ऐसा कन्फर्म तो मेरे को नहीं पता, डिपार्टमेंट ही सुना मेरे को तो। मतलब पैसे डालोगे आपकी विश पूरी हो जाएगी। आप पैसे डालिए और विश पूरी कराइए, ऐसा होता कुछ नहीं है। मैं भी 500 डाल दूं। हाँ नहीं तो हम ये देखिए, ये बता रहे हैं यहाँ पे रानियों का महल है, यहाँ पे रहती थी रानियाँ पहले। ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ये रानियों के महल हैं पूरा का पूरा। अच्छा नज़ारा है पूरा यहाँ पे। मैं तो यहाँ मुझसे तो थोड़ी ही दूर है, यहाँ पे 20 किलोमीटर है, मैं तो कभी आया भी नहीं है घूमने के लिए। बाकी अब देखा तो मैं दोबारा भी आऊँगा शायद। कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ पे, आप देख ही सकते हैं। ये मेरे दोस्त हैं तो फोटो खिंचाने के लिए बैठ गए हैं यहाँ पे। यही कट्टे वाला ज़्यादा खिंचाता है फोटो, कट्टे के लिए जरूर कॉन्टेक्ट करें। और 47 वगैरह बना देता है, AK-47 भी बना देते हैं। प्राइस ज़्यादा लगता है कंपनी का कट्टा दो स्टेट की पुलिस जो है इनके पीछे ही है, वो लाख रुपए इनाम भी है इनपे। हम तो चाहते हैं पर ये जाना नहीं चाहते हैं, पुलिस में कह रहे हैं थोड़ा भाई रहम करो। पर इन पे रहम भी कर दिया हमने। व्यू ही व्यू है, अच्छा व्यू है, अच्छा नजारा है, अच्छी जगह है। मौसम भी आज अच्छा ही हुआ है, ना तो इतनी सर्दी है ना गर्मी है, मौसम अच्छा है, कूल कूल कर रही है। रानियों का महल है यहाँ पे, रानियाँ रहा करती थी पुराने टाइम में। अब तो नहीं मिलेंगी आपको रानियाँ यहाँ पे, यदि रानियों के दर्शन करना है तो आपको ऊपर ही मिलेंगे रानियों के दर्शन। यहीं पे चलती थी वो मीटिंग, बताते हैं रानियों की मीटिंग चलती है। मेरे दोस्त बताते थे यहाँ पे 12 रानियाँ रहती थी पुराने। अब हम आगे चलते हैं, आगे क्या पड़ता है। अच्छी ऊँची ऊँची बना लो पुराने टाइम वाली, ऐसे होती है ना, वही नज़ारा है पुराने टाइम वाला। चढ़ने में पूरा सांस चल गया मेरा तो। ये देखिए ये पुरानी जगह है, देखिए किस टाइप में बनाई जाती थी पुराने। देखिए छोटी छोटी गलियां हैं, नज़ारे हैं छोटे छोटे हैं, मतलब जैसे कहें ना। ये देखिए पता ही नहीं चल रहा मतलब किस टाइप में बनाते थे पुराने टाइम के अंदर। पूरी छोटी छोटी गलियां हैं, गांव में तो हम गलियां ही बोलते हैं। बाकी ये देखिए मतलब पहली तरफ से घुसे और थोड़ी दूर आगे निकल गए। अब ये समझ नहीं आ रहा है हमें पहले कि बनाया क्यों गया था। समझ ही नहीं आ रहा मतलब किस टाइप में बना रखा है, पतली पतली गलियां बना रखी है अंदर। रूम वगैरह इतने हैं नहीं खास यहाँ पे, अब पता नहीं उनकी घूमने की जगह थी या फिर कुछ और ही वहाँ पे। ये देखिए ये देखिए क्या हरकतें कर रहे हैं यहाँ पे हमारे दोस्त, पता नहीं पागल ही हो गए किधर। अंदर मतलब रूम इतने हैं नहीं यहाँ पे जो जैसे हम इस टाइम में बनाते हैं टाइम के अंदर। ये देखिए मेहरब भी दरवाजे बनाए गए हैं जैसे बनाते थे पुराने टाइम में। ये देखिए
छोटे से। अरे लगता नहीं है रूम भी है, कुछ औरत दिखाई समझ में नहीं आ रहा है हमें तो। ये पुराने टाइम का ऐसा देख सकते हो, तुम्हारे दोस्त ने तो पता भी लगा लिया लकड़ी है। अच्छा हमारे जो दोस्त है वो रास्ता ही भूल गए हैं, कहाँ से आना है कहाँ से जाना है। ये देखिए यहाँ पे और भी नजारा है, देख सकते हैं आप। देखिए दोस्त सभी जगह ऐसे का ऐसा ही है, मतलब सेम बनाया गया है। यहाँ हम आए तो थोड़ा आने जाने में भी प्रॉब्लम हो रही है, हम रास्ता भूलते जा रहे हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं पुराने टाइम में बनाया गया है, फिर भी आज इसकी बनावट बहुत अच्छी दिख रही है, कोई भी चेंजिंग नहीं आई है इसके अंदर, बहुत टाइम हो गया फिर भी 1526 के शायद उसमें लिखा था उस टाइम का बना हुआ है, बना हुआ है फिर भी आज देखिए आज में ऐसे का ऐसा ही है, थोड़ी सी भी चेंजिंग नहीं आई है, दीवार वगैरह सब ऐसा ही है पूरा। हम दूसरी जगह आ गए दोस्त पूरे परेशान हो चुके हैं, कहते हैं बहुत बड़ा किला है, जैसे आपको पूरा भी दिखाता हूँ। हमें यहाँ रहते रहते 2.5 साल हो गया, पर हमें पता नहीं था हमारे नज़दीक में भी इतना अच्छा किला है। 2.5 साल हो गए यहाँ पे जयपुर में रहते रहते, और हमारे हमसे बस चंद 20 किलोमीटर दूरी पे है ये किला। आप देख सकते हैं लास्ट तक, देखिए कितना अच्छा बनाया गया, इतनी अच्छी चीज़ें बनाई गई है यहाँ पे, आज भी ऐसी की ऐसी है जैसे पुराने टाइम में बनाई हुई थी। देखिए पार्क वगैरह से भी बना रखा है पूरा, अच्छा बना रखा है बीच में, देखिए कार बना रखा है आपको, मैं ऐसे बाहर का नजारा भी दिखाएंगे, बहुत अच्छा नजारा आ रहा है जैसा कि आप देख पा रहे हो। देखिए मतलब पहाड़ों के बीच में किला का बंदा अलग ही नजारा दिखाता है पूरा, वहाँ तक लास्ट तक देखिए वहाँ को दिखाई दे रहा होगा आपको, इतना अच्छी तरह से बनाया गया है कुछ कह नहीं सकते हम। देखिए गाइस ये हम एक मतलब छत के ऊपर चढ़ के आए हैं, पूरा ऊपर तक कितना अच्छा नज़ारा दिखाई दे रहा है, पहाड़ों के बीच में इस हिसाब से बनाया गया है यहाँ पे, देखिए कह नहीं सकते। लास्ट तक देखिए वहाँ तक बहुत अच्छा वहाँ तक बना हुआ है, और सारा पहाड़ के ऊपर है, पहाड़ी पहाड़ पहाड़ी पहाड़, कुछ और है ही नहीं। एक्सक्यूज में जरूर इसका देखिए तो गाइस हम बाहर निकल चुके हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, दोस्त हमारे बैठे हैं यहाँ पे,
खाने के लिए अलग से भीतर अंदर ही बनाया गया है, कोई रेस्टोरेंट टाइप में, जैसा कि आप देख सकते हैं एक रेस्टोरेंट टाइप में छोटा सा बनाया गया है। जो कुछ खाना है तो आप यहाँ पर खा सकते हो। और यहाँ की मैं तो ये कहना चाहूँगा, यहाँ पर घूमने के लिए ज़रूर आएँ, बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ का। पुरानी चीज़, हमारा पुराना इतिहास अच्छी तरह से दिखाया गया है यहाँ पर। क्यों कहें, आज भी यहाँ का जो नज़ारा है पहले जैसा ही है, मतलब हर चीज़ कहते हैं पुराने टाइप में दिखाई गई है, कोई इम्प्रूवमेंट या फिर न्यू चीज़ बनाई नहीं गई है, मतलब पुराने टाइम की जो बनी हुई है बस वही है। ये नहीं है कि थोड़ा चेंज करके दोबारा चेंज कर दिया हो, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी देखिए यहाँ पर अंदर बनाया गया छोटा सा रेस्टोरेंट, कपड़े भी सभी अंदर किले के अंदर ये हिसाब से बनाया गया है। वीडियो से यहाँ से उतरेंगे, आपको मेरे दोस्त तो आगे दिखाई दे रहे होंगे, नीचे जा रहे हैं वो। अरे मैं तो कोई और समझा था, मैं तो समझा सॉरी बोल देता हूँ। अरे मुझे क्या पता, अपने ही लौटा है ये तो। और कोई नहीं, आप देखिए यहाँ पे अंदर अलग अच्छा नजर, मुझे लेना हो एक, कुछ आप अंदर ही ले सकते हैं, कोई बाहर जाने की कोई जरूर नहीं है। कुछ खाने पीने के लिए, कुछ पहनने क्या दिखा, बढ़िया अच्छी चीज़ है। अब यहाँ पे थोड़ा काम चला हुआ है, शायद कोई पाइपलाइन वगैरह डाल रहे हैं पानी, जिससे ऊपर सप्लाई किया जा सके। आप यहाँ पे कढ़ाई दिखाते हैं जिन्हें पहले खाना बनता था, ये पुराने टाइम की कढ़ाई है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कितनी बड़ी कढ़ाई है। हमारा दोस्त बोल रहा है इसमें अभी खाना बना लेते हैं, यही है वो जिसका हम आपको पहले बता रहे थे ना, कट्टे बनाने वाला लौंडा, यही बोल रहा है मैं इसमें खाना बना दूंगा अभी। ये इसका काट के कट्टा भी बना सकता है अभी इसका। पूरा है अभी कट्टा तो नहीं, तोप बना देगा इसकी। देखिए दो हैं ऐसे यहाँ पे बड़े बड़े कड़ा बोलते हैं ना, वो देखिए पूरा पुराने तरफ देखिए, बाहर जैसे सैनिक खड़े होते थे इस तरह से खड़े हैं यहाँ पे, देखिए पूरा पूरा अच्छी कला करती है, यानी कि आर्ट दिखाई गई है यहाँ पे। पुराने टाइम में अच्छे अच्छे आर्टिस्ट थे, ये देखिए पुराने टाइम में देखिए ये क्या है, देखिए ना पूरा गोल बनाया गया किसी से काट पीट के पत्थरों से, देखिए पूरा देखिए ऊपर तक आप ऐसा देख पा रहे होंगे। बाहर पुलिस भैया भी बैठे हैं, हमारी वेट कर रहे हैं, बिना मास्क के दिखाई दें और सीधा 500 का काट दें इनका, हमारी वाट में बैठे हैं। देखो नया काम चल रहा है, थोड़ा चेंजिंग कर रहे हैं शायद, इसके अंदर लाइन वगैरह बिछा रहे हैं जिससे ऊपर जैसे विजिट करने के लिए बंदे आते हैं तो उन्हें थोड़ा पानी के लिए नीचे ना जाना पड़े और ऊपर ही अच्छी अच्छी तरह से सप्लाई हो जाए। देखिए सामान वैसे बंदे अपना बेच रहे हैं यहाँ पे, और इधर आप देख सकते हैं पूरी सुख सुविधा यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। जैसे आपको देखिए ये अंदर का व्यू है, ये आमिर किला है, ये आमिर किला बोले, देखिए देख पा रहे होंगे आप रथ के पहिए। पुराने टाइम में जैसे हमने तो अब टीवियों में दिखाई देते हैं, देखिए पुराने टाइम की संदूक, देखिए ये गोला बारूद जिस तरह से जाता था अंदर, पूरा अच्छी तरह से मतलब पुराने चीज़ों को अच्छी तरह से संभाल के रखा हुआ है, जिससे हमारी आने वाली जनरेशन है वो हमारा इतिहास अच्छी तरह से देख सके। मतलब पूरा अच्छी तरह से इस हिसाब से बनाया गया है। हम देखिए हमने एग्जिट करा लिया, देखिए छोटी वाली तोप दिख गया, ये पूरी तोप दिखाई गई है। ये यहाँ पे सामान बेचने वाले हैं, तो आपको कोई तोप खरीदनी हो, बाकी अभी बड़ी वाली तोप खरीदनी हो तो हमारा दोस्त से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, यूपी वाले भाई। पैसे चाहिए तो आप पैसे निकाल सकते हो, बंद कर दो इसको, बंद कर देंगे, टेंशन ना लो। ये देखिए पूरा हमारा उसी जगह पे आ गए, यहाँ पे यहाँ से हमने एंटर किया था। इतना अच्छा व्यू है, बहुत सारी लॉकडाउन है फिलहाल इस टाइम में, और फिर भी यहाँ पे ये देखिए
लॉकडाउन है फिर भी यहाँ पे बहुत सारे बंदे घूमने के लिए आए हैं। यहाँ पे स्पेशल शायद एक एम्बुलेंस भी खड़ी कर रखी है, जिससे किसी को यदि इमरजेंसी में कोई हादसा हो जाए, गिर जाए या फिर चोट जाए, उसके लिए पूरा इंतजाम किया हुआ है। देखिए यहाँ पे पुराने टाइम की तोप भी है, नई नहीं है, ये सारी पुराने टाइप की हैं जो पहले यूज हुई है कोई लड़ाई वगैरह में, या ऐसे कोई लड़ाई होती थी पहले उनकी, तो उसकी है। देखिए पूरा अच्छी जगह है। तो गाइस नीचे उतर गए हैं, अब इन्होंने सिखा दिया गाइस बोलना तो मेरे को भी। जय श्री राम, जय श्री राम। राम यूट्यूब वाले हैं जो सारी लैंग्वेज निकाल सकते हैं, पूरे एक्सपर्ट है। ये वाले चाचा तो यही एक्सपर्ट, आपको बता ही चुका हूँ पहले ही, बार बार बताऊंगा मैं, क्योंकि यही इतने एक्सपर्ट है, कुछ भी कराना हो इनसे ऑलराउंडर है। यही गाइस आपको यहाँ पे कबूतर भी दिखाते हैं, बहुत सारे कबूतर हैं जो यहाँ पे बैठे हुए। ये हमारा बम बारूद वाला लौंडा सारे कबूतर उड़ाने के लिए, इतने सारे कबूतर हैं। तेरा तो जरूर लेंगे भैया, तू ना आया तो फिर वीडियो कैसे चल रही, पूरा फेमस कराएंगे तेरे को। और कोई बात नहीं है, देख ही लिया है।